क्या आपको पता है स्कूल बसेस को येलो कलर से ही पेंट क्यों किया जाता है, और भी दूसरे कलर है उन कलरों से स्कूल बस को क्यों नहीं पेंट किया जाता, और क्या आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट जानने वाले, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप देख रहे हैं प्रो नॉलेज और मैं हूं अभिषेक साकरे। तो चलिए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर वन, जूते की जो लेस होती है उसके सिर पर जो प्लास्टिक होती है उसे एगलेट कहते हैं। फैक्ट नंबर टू, पत्तों से जब हवा टकराती है उस वक्त शोर होता है, उस शोर को सितोरिज्म कहते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, जुवेनाइल सर्जन फिश नाम की फिश है और ये फिश ट्रांसपेरेंट फिश है। इस मछली के आप आर पार देख सकते हो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। फैक्ट नंबर फोर, हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, मतलब आपके जैसे फिंगरप्रिंट्स और किसी के भी नहीं होते, ठीक उसी तरह आपके टंग प्रिंट भी यूनिक होती है। फैक्ट नंबर फाइव, पृथ्वी पर जितना भी बर्फ है उसमें से 90% बर्फ अंटार्कटिका में है। फैक्ट नंबर सिक्स, चाइना के शिनलेंशु नाम के गांव में एक क्यूआर कोड बनाया गया है। इस क्यूआर कोड को बनाने के लिए 130,000 पेड़ों की जरूरत लगी थी। यह क्यूआर कोड सिर्फ शो के लिए नहीं है, इस क्यूआर कोड को स्कैन किया जा सकता है। इस क्यूआर कोड को प्लेन या हेलीकॉप्टर से स्कैन किया जा सकता है। जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हो तब यह क्यूआर कोड आपको लोकल टूरिज्म का ऑफिशियल वीचैट अकाउंट पर ले जाता है। फैक्ट नंबर सेवन, जिराफ की गर्दन लंबी होती है, ठीक उसी तरह जिराफ की जबान भी लंबी होती है। वो अपने जबान से खुद के कानों को साफ कर सकते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी जबान कितनी लंबी होती है। फैक्ट नंबर एट, हमारे सोलर सिस्टम में शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है और शुक्र ग्रह का सरफेस टेम्परेचर लगभग 900 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह है और उसका एवरेज टेम्परेचर -350 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आने वाले फैक्ट के पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को भी ऑन करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फैक्ट नंबर नाइन, क्या आपको पता है स्कूल बस का कलर पीला क्यों होता है? तो देखो, ब्लू, वायलेट, इंडिगो ये कलर जो होते हैं ये पृथ्वी के वातावरण में ज़्यादा स्कैटर होते, ज़्यादा फैलते हैं। अगर हम कौन से भी बस को इन कलरों से पेंट करेंगे और उस बस को हम दूर से देखेंगे तो वो बस इतनी आसानी से स्पॉट नहीं होगी। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है और रेड कलर दूर से आसानी से दिख भी जाता है, तो हम स्कूल बसेस को रेड कलर से पेंट क्यों नहीं करते? तो देखो, रेड कलर को ऑलरेडी डेंजर को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। रेड कलर के बाद जो मोस्ट अटेंटिव कलर आता है वो आता है येलो कलर। येलो कलर आसानी से स्पॉट होता है, सुबह हो या शाम येलो कलर आसानी से स्पॉट होता है। और येलो कलर का लैटरल पेरिफेरल विजन रेड कलर से 1.24 टाइम्स ज़्यादा है। मान लो एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और सामने की तरफ उसका ठीक से ध्यान नहीं है, उस वक्त भी वो येलो कलर को आसानी से स्पॉट कर सकता है। इसकी वजह से स्कूल बसेस को येलो कलर से पेंट किया जाता है ताकि एक्सीडेंट की संभावना कम हो सके और छात्र अपने अपने घर सुरक्षित जा सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।